अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ विटामिन को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम विटामिन B9 को, जिसे फॉलिक एसिड बी कहते हैं, उसको डिस्कस करना है। बच्चों, विटामिन के लिहाज से आपने दो बातें याद रखनी हैं फॉर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको एक तो हर विटामिन की एक्टिव फॉर्म फिंगर टिप्स पर याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है एक्सटर्नल एग्जामिनर का। दूसरी बात है, आपको विटामिन के फंक्शन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। ये SEQ पॉइंट ऑफ व्यू है, SEQs में विटामिन के फंक्शन जो हैं वो लिखने को आ जाते हैं। सो मूविंग टूवर्ड आवर टॉपिक, दैट इज फॉलिक एसिड और B9। सबसे पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। बच्चों, कॉम्पोजिशन में इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और दो एसिड चीजें होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कौन सा होता है? टीरिडीन न्यूक्लियस होता है। देन एक मॉलिक्यूल है जिसे हम पैबा से आप याद रख सकते हैं, पैरा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, एंड ग्लूटेमिक एसिड होता यह है कि ये जो टीरिडाइन न्यूक्लियस है और पैबा है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और बन जाता है टीरोइक एसिड, ठीक है। टीरिडीन न्यूक्लियस और पैबा जो है आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? टीरोइक एसिड। देन ये टीरोइक एसिड कंबाइन करता है ग्लूटेमिक एसिड के साथ और हमारे पास क्या बन जाता है? टीरोग्लूटेमिक एसिड, जिसे PGA बोलते हैं या फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये कॉम्पोजिशन हो गई फोलेट की। देन इसके केमिकल फॉर्म्स की बात करते हैं। तीन फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है और ये जो केमिकल फॉर्म्स हैं बच्चों, ये डिपेंड कर रही हैं कि कितने ग्लूटामाइल रेजिड्यूज इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। अगर ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इसमें से एक ही ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल या रेजिड्यू आएगा तो दैट वुड बी मोनोग्लूटामेट, ठीक है। अगर तीन रेजिड्यूज होंगे तो हम इसे कहेंगे ट्राईग्लूटामेट, और अगर सेवन होंगे तो दैट वुड बी हेप्टोग्लूटामेट। याद करने वाली बात यह है कि हमारे पास जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है ना फोलेट की, वो सिर्फ होती है इस केमिकल फॉर्म में, यानी मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में ही फोलेट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राईग्लूटामेट या हेप्टोग्लूटामेट हमारी डाइट में आ भी गए हैं तो एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन, सो जो इसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है वो है मोनोग्लूटामेट, ठीक है। बच्चों, अगर डाइट में ट्राईग्लूटामेट या हेप्टोग्लूटामेट आ भी जाते हैं तो जेजनम के लेवल पे, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन्स इन ट्राई और हेप्टोग्लूटामेट पे एक्ट करेंगे और उन्हें तोड़ देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे मोनोग्लूटामेट फॉर्म में, एंड देन मोनोग्लूटामेट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सोर्सेज बहुत आसान सी बात है, ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है बच्चों। वीट्स, नट्स या लिवर एंड किडनी में भी जो है फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है, फोलेट प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्प्शन जेजनम के लेवल पे होती है, ये आपने याद रखनी है, और होती किस फॉर्म में है? मोनो की फॉर्म में। अगर ट्राई और हेप्टा प्रेजेंट भी हैं तो जेजनम के लेवल पे प्रोटीन्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, एंजाइम्स एक्ट, प्रोटीन एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे और क्या करेंगे? इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे मोनो फॉर्म में, एंड देन मोनो फॉर्म हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि जो फोलेट की सर्कुलेटिंग फॉर्म है हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये फोलेट किस तरह से टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है और किस तरह से इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, ये हम देखने वाले हैं। आपने याद रखना है फोलेट की जो एक्टिव फॉर्म होती है, दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या एक्टिव फॉर्म है? टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बनती कैसे है बच्चों? डाइट में आपने क्या ले लिया? फोलेट, ठीक है। डाइट में हमें क्या मिल जाता है? फोलेट। ये फोलेट एक एंजाइम्स की प्रेजेंस में, जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसकी प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में फोलेट के ऊपर दो हाइड्रोजन ग्रुप्स ऐड होंगे, और ये दो हाइड्रोजन ग्रुप्स कौन से पोजीशंस पे ऐड होंगे? 7 और 8 पे, ठीक है। सो जो फोलेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाईहाइड्रोफोलेट में। अब डाईहाइड्रोफोलेट, फोलेट तो फोलेट था ना, डाईहाइड्रो का मतलब है दो हाइड्रोजन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एट पोजीशन नंबर 7 और 8। अब ये होगा, ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है ये हमारे पास टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में अगेन इसके ऊपर दो हाइड्रोजन ऐड किए जाएंगे ऑन पोजीशन नंबर 5 और 6, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, ठीक है जी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जो कि इसकी क्या है? एक्टिव फॉर्म। तो इस तरह बॉडी के अंदर ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस तरह से कन्वर्ट होता है? पहले इसके ऊपर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट करता है और दो हाइड्रोजन इस पे ऐड होते हैं, देन डाईहाइड्रोफोलेट के ऊपर टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट करके दो मजीद हाइड्रोजन ऐड करता है पोजिशन 5 और 6, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसके एक्टिव फॉर्म में, दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट का फंक्शन क्या है, ये आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। फोलेट की कौन सी फॉर्म आ चुकी है हमारे पास? उसकी एक्टिव फॉर्म आ चुकी है, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ठीक है। अब जो चीज आपने याद रखनी है, दैट इज कि ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट कार्बन 1 मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन इज 1 मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन है टेट्रा हाइड्रोफोलेट का हमारी बॉडी में, दैट इज 1
मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है और ये बहुत मतलब एक छोटी सी बात है कि किस तरह हो रहा है। बच्चों आपने बस कितना याद रखना है कि ये जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट है ये किसी भी डोनर से, ठीक है, कोई भी डोनर इसको क्या करेगा, इसको अपना मिथाइल ग्रुप देगा, ठीक है। कोई भी डोनर क्या करेगा, इसे मिथाइल ग्रुप देगा, ठीक है। जब ये मिथाइल ग्रुप ले लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट में। और ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, ये किसी एक्सेप्टर को ये वाला मिथाइल ग्रुप दे आएगा, ठीक है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, ठीक है। तो इस तरह इसका ये साइकिल होता है कि कोई डोनर इसको मिथाइल ग्रुप देता है, वो कौन से डोनर एंड कौन से एक्सेप्टर्स है वो हमें देखते हैं। लेकिन इसके वन कार्बन मेटाबोलिज्म का मतलब ये है कि एक डोनर से मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट करता है, उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है, देन उस मिथाइल ग्रुप को आगे एक्सेप्टर को दे के खुद दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेट्रा हाइड्रोफोलेट में। ये जो इसका वन कार्बन मेटाबॉलिज्म है ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे कि जब हमारे पास फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में कितने मेजर प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं। अब बच्चों आपने याद रखना है कि डोनर हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप दो तीन की अगर याद कर लें तो दैट वुड बी इनफ। डोनर हमारे पास सीरीन हो सकता है, ठीक है बच्चों, सीरीन अमाइनो एसिड आपने पढ़ा होगा, सीरीन अपना कार्बन ग्रुप जो है एक मिथाइल ग्रुप डोनेट कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन हो सकता है और हिस्टिडीन हो सकता है, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना कार्बन ग्रुप टेट्रा हाइड्रोफोलेट को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और टेट्रा हाइड्रोफोलेट जो है वो किन किन फॉर्म्स में ये ग्रुप ले सकता है, कार्बन ग्रुप मिथाइल फॉर्म में भी ले सकता है, ठीक है, मेथालीन फॉर्म में भी ले सकता है, और इसको आगे जाके डोनेट करेगा और फॉर्माइल फॉर्म में भी ले सकता है, यानी फॉर्माइल फॉर्म में अपने साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। अब मिथाइल, मेथालीन और फॉर्माइल ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन्हें हम बायोकेमिस्ट्री में एफएससी के लेवल पे पढ़ चुके हैं। फिर क्या होगा कि ये जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने इन तीनों से कोई ना कोई कार्बन ग्रुप लिया है, ये एक्सेप्टर को देगा, और एक्सेप्टर जो है वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक्सेप्टर्स में। हमारे पास फॉर एग्जांपल डीएनए सिंथेसिस हो सकती है, जब वो इसको कार्बन ग्रुप को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करा सकते हैं, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, प्यूरीन सिंथेसिस, उसके अलावा अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ठीक है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। एंड देन हमारे पास एक बहुत ज़्यादा फेमस मेटाबॉलिज्म है कि हमारे पास जो होमोसिस्टीन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मेथियोनीन में, एक कार्बन ग्रुप लेके। अब वो किस तरह से कन्वर्जन हो रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट है, ठीक है। ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट जो है कन्वर्ट हो रहा है मिथाइल लीन टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिसीव कर रहा है एक मिथाइलीन ग्रुप, ठीक है। और वो मिथाइलीन ग्रुप इसके पास कहाँ से आ रहा है कि हमारे पास जो ग्लाइसिन सीरीन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइसिन में बच्चों, ठीक है। हमने कहा था सीरीन क्या करता है, डोनेट करता है, सो सीरीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइसिन में, और अपना एक मिथेनाइल ग्रुप जो है टेट्रा हाइड्रोफोलेट को डोनेट करके जा रहा है, ठीक है। अब टेट्रा हाइड्रोफोलेट मिथाइलीन ग्रुप लेने के बाद बन जाएगा N5N10, ठीक है, मिथाइलीन टेट्रा हाइड्रोफोलेट क्या बन गया, मिथाइलीन टेट्रा हाइड्रोफोलेट। लेकिन इस टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने जो ग्रुप रिसीव किया ना, इसने इसको आगे डोनेट भी करना है। अब क्या होगा कि यही टेट्रा हाइड्रोफोलेट इस मिथाइल ग्रुप को बच्चों डोनेट करेगा, किसको, डंप को, DUMP, ये अपना मिथाइलीन ग्रुप किसको डोनेट कर रहा है, डंप को, और डंप कन्वर्ट हो रहा है DTMP में, ठीक है। अब ये डंप क्या है और DTMP क्या है, ये है यूरेसिल मोनोफॉस्फेट और ये क्या है, थायमिन मोनोफॉस्फेट। सो यूरेसिल मोनोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइलीन ग्रुप लेने के बाद थायमीन मोनोफॉस्फेट में। और ये थायमीन जो है आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, पायरिमिडीन है, और इस जब ये बनेगा तो हमारे पास फर्दर इससे क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एंड देन फर्दर हमारे पास क्या होगी, ये एक स्टेप है फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। थायमिडीन जो है आपको पता है, थायमीन जो है वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह क्या होती है, यूरेसिल। सो यूरेसिल से जब थायमीन बनता है तो वो हमारे पास किसकी वजह से बनता है, एक मिथाइलीन ग्रुप लेने की वजह से। वो मिथाइलीन ग्रुप ट्रांसपोर्ट किसने किया, टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने, और टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने खुद वो कहाँ से लिया था, एक एक्सेप्टर से, ठीक है। तो आपको ये पाथवे समझ आ रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं